महाराष्ट्र में जारी वसूली और भ्रष्टाचार के खेल के बीच एक और नए मामले ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस मामले में बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। मामला बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को मिली धमकी का है। सोनू निगम को मुफ्त में कार्यक्रम करने को कहा गया और साथ में यह धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने इनकार किया तो उनका हाल भी कंगना रनौत जैसा कर दिया जाएगा। बीएमसी ने कंगना रनौत के घर में तोड़फोड़ की थी। सोनू निगम को इकबाल सिंह के रिश्तेदार ने जमकर धमकाया। इस मामले का खुलासा बीजेपी विधायक अमित साटम ने किया है। उनका दावा है कि बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के रिश्तेदार ने सोनू निगम से फ्री में शो आयोजित करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर नोटिस भेजना और तोड़फाड़ करने की धमकी दी। सोनू निगम को धमकी देने के आरोपों को इकबाल सिंह चहल ने झूठ बताया है। मामले के सामने आने के बाद विधायक अमित साटम ने राज्य सरकार ने कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी एमएलए ने विधानसभा से कहा कि सोनू निगम ने शिकायत दी है कि चहल के भाई राजेंद्र सोनू निगम को निःशुल्क शो आयोजित करने को कह रहे हैं। ऐसा ना करने पर उनके घर नोटिस भेजा जाएगा और तोड़फोड़ की गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और राजेंद्र और इकबाल सिंह चहल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सिंगर सोनू निगम के पास राजेंद्र द्वारा भेजे गए मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। विधायक ने सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि सोनू ने अभी इस मामले पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। इस मामले के सामने आने के बाद इकबाल सिंह चहल ने सफाई देते हुए कहा कि राजेंद्र ना मेरे कजिन है और ना ही कोई दूर का रिश्तेदार है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मैं राजस्थान में जहाँ पैदा हुआ था वो उसी जिले से हैं। उनकी बदतमीजी के लिए उस पर एक्शन लिया जाए। सभी आत्मनिर्भर हैं, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कभी किस तरह की चीजों में नहीं पड़ता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।